गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हरिओम। वेलकम टू मॉर्निंग इंटरनेशनल स्कूल। मैं शोभना वर्मा, आप सभी की हिंदी टीचर, आज की वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था गुब्बारे में चूहा, और हमने इसकी कहानी पढ़ी थी जिसमें बहुत मज़ा आया था। कैसे, जिसमें एक चकमक चूहा था और उसका जन्मदिन मनाया जा रहा था। उसके जन्मदिन पर उसके बहुत सारे दोस्त आए हुए थे, है ना बच्चों। में इस पर बहुत सारे फूल, केक, मोमबत्तियाँ रखी हुई थी, है ना। और उसके पापा ने, पिताजी ने उसको क्या ला के दिया था, एक बहुत बड़ा गुब्बारा था जिसके नीचे टोकरी बंधी थी। और चकमक चूहे ने क्या किया, उसके अंदर बैठ गया और उसकी रस्सी खुल गई और वो जो गैस गुब्बारा था वो आसमान में उड़ने लगा। तो चकमक चूहा जोर जोर से चिल्लाने लगा और क्या बोलने लगा, बचाओ बचाओ। और फिर उसकी जान किसने बचाई थी, बिल्जू बाज ने बचाई थी, है ना, बाज ने। तो चलिए हम इसी चैप्टर का आज अभ्यास करेंगे। तो चलिए हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जबकि हमारा जो हमारा पहला प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए, जिसमें पहला प्रश्न है हमारा, मेज पर क्या क्या चीज़ें थीं, फूल, गुब्बारे या केक या मोमबत्तियाँ। तो बच्चों, मेज़ पर केक और मोमबत्तियाँ रखी हुई थी, तो हम इस पे राइट टिक करेंगे, सही का निशान लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चकमक के पिता ने गैस भरे गुब्बारे को कहाँ रखा, कमरे में, छत के ऊपर या बालकनी में। तो बच्चों, चकमक के पिता ने गैस भरे गुब्बारे को छत के ऊपर रख दिया था, है ना, ताकि वह, और उसे डोरी से, रस्सी से बांध दिया था ताकि वह उड़ ना जाए, है ना बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बचाओ बचाओ कौन चिल्ला रहा था, चकमक चूहा, चकमक के माता पिता या उसके सारे दोस्त। तो बचाओ बचाओ तो चकमक चूहा चिल्ला रहा था, क्योंकि वह गैस भरे गुब्बारे में जो है उड़ने लगा था, तो इसलिए वह बचाओ बचाओ चकमक चूहा चिल्ला रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, चकमक को किसने बचाया, बिन्नू बाज ने, उसके पिता ने या उसके दोस्तों ने। तो बच्चों, चकमक को बिन्नू बाज ने बचाया था, है ना, क्योंकि वह उड़ा और उसने क्या बोला था बिन्नू बाज ने चकमक से, कि आ जाओ मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें धरती तक पहुंचा दूंगा, है ना बच्चों। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर दो, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो चलिए, जिसमें पहला प्रश्न है, चकमक के जन्मदिन पर कमरा कैसे सजाया गया था, तो इसका जवाब क्या है, उत्तर क्या है, चकमक के जन्मदिन पर कमरा फूलों, झालरों, गुब्बारों से अच्छी तरह सजाया गया था। अगला प्रश्न है, चकमक के पिता ने छत के ऊपर गुब्बारा क्यों बांधा, क्यों बांधा था, ताकि गुब्बारा उड़ ना जाए, है ना बच्चों। तो क्या लिखेंगे हम इसमें, ताकि गुब्बारा उड़ ना जाए, इसलिए उन्होंने छत के ऊपर गुब्बारा बांधा था। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बिन्नू बाज ने चकमक को कैसे बचाया। तो बच्चों, हमने बताया था आपको कि बिन्नू बाज ने चकमक को अपनी पीठ पर बैठाकर उसे धरती तक पहुंचा दिया, है ना बच्चों। तो हम इसमें ऐसे लिखेंगे, बिन्नू बाज ने चकमक को अपनी पीठ पर बैठाकर उसे धरती तक
पहुंचा दिया। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं हम। चकमक के माता पिता ने बाज को धन्यवाद क्यों दिया? बताइए बच्चों, क्यों दिया था उन्होंने? माता पिता चकमक के माता पिता ने बाज को धन्यवाद यानी कि थैंक यू क्यों बोला था? क्योंकि बाज ने चकमक की जान बचाई थी, है ना बच्चों? तो हम इसमें उत्तर में भी यही लिखेंगे, क्योंकि बाज ने चकमक की जान बचाई थी। तो इसी तरह से बच्चों आपके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पूरे हो गए, और अगली वीडियो में हम इसी पार्ट का बाकी का अभ्यास भी करेंगे। तो इस एक्सरसाइज को, इस अभ्यास को आप अपनी नोटबुक में बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में करेंगे, और अगली वीडियो में हम इसी पार्ट का बाकी का अभ्यास पूरा करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस।